हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन डेवलपर गुरुजी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए साधारण ब्याज की तीसरी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें करीब करीब सभी क्वेश्चन आ गए तीनों वीडियो में जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने कोई भी प्रश्न ऐसा तरीका नहीं छोड़ा जिस तरीके पर आधारित क्वेश्चन परीक्षा प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है। अब देखो क्या है इसमें, साधारण ब्याज राशि का चौथाई यानी कि मूलधन का चौथाई है, तो मूलधन इसमें बराबर x हो गया, मूलधन बराबर x, तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज उस राशि का चौथाई यानी कि x बटा 4 है। अब इसमें सीधा फॉर्मूला लगा दो, ब्याज बराबर पी आर टी अपॉन 100, ब्याज एक्स बटे 4 बराबर पी की वैल्यू एक्स, आर निकालना वर्ष 5 अपॉन 100, एक्स एक्स कैंसिल हुआ क्योंकि एक्स इधर गुना में है, यदि प्लस में होता तो कैंसिल ना होता। अब ये उसमें है गुना में है तो ये कैंसिल हो गया। अब जो इधर गुना में होगा ये भाग में पहुंच जाएगा, जो इधर गुना भाग में होगा इधर गुना पहुंच जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 × 100 अपॉन 4 × 5, 4 × 5 में गुना करिए 20 आया, 20 × 5 = 100, तो आर कितना निकला, 5%, आर की वैल्यू 5% है। अब ये क्वेश्चन अगला है, किसी धनराशि पे 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 गुना है। अब देखो वर्ष कितने टाइम, 6 वर्ष, एक पी की वैल्यू कितनी एक्स, तो ब्याज कितना है 9/25 एक्स, ये उस राशि का 9/25 एक्स है, उस राशि का 9/25 एक्स, ठीक। अब आगे से हम हल करते हैं, ब्याज बराबर पी आर टी अपॉन, मैं इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, इसमें सब में ये फॉर्मूला लग रहा है, तो ब्याज बराबर 9x/25 बराबर पी की वैल्यू एक्स, आर की वैल्यू निकालनी, टी की वैल्यू 6 वर्ष अपॉन 100, इस एक्स से एक एक्स कैंसिल हुआ, जो अपॉन में है वो गुना में पहुंच जाएगा, जो गुना में वो भाग में, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 100/25 × 6, 25 होगा 100, 2 × 4 2 × 6 3 × 9, आर बराबर 6%, ये आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू आ गई 6%। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करता है, अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो 500 रुपये का 2 वर्षों के भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर। अब देखो ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ये आ गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना, दरों का अंतर निकालना, दर बराबर क्या होगा, अपॉन में 1, तो दर बराबर आ गया 100 पर गुना में पहुंच गया, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना। अब देखो ध्यान में देने लायक बात है, दरों में अंतर होगा तो ब्याज में अंतर होगा, मूलधन जो तो रहेगा, और सभी ज्यों के तो रहेंगे, जब बदलेगा तो ब्याज बदलेगा और दर,
तो दरों का अब इससे निकाल देंगे हम दरों का अंतर। ब्याज अंतर ये फॉर्मूला निकलेगा शॉर्टकट का, इंटू 100 अपॉन मूलधन गुना 500 रुपये का 2 वर्ष, यह है ब्याज का अंतर। हमें निकालना दरों का अंतर, तो दरों का अंतर ब्याज अंतर कितना 2.50 गुना 100 मूलधन 500 समय 2 वर्षों पॉइंट डा 100 100 भाग दे, 1 1 2 अंक इस 100 100 100 कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 25 दुनी 50 1/4%। अब 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा 0 उतारी 4 दुनी 8 2 बचा 0 उतारी 4 दुनी 20 यानी कि 0.25%। ये हमने फॉर्मूला निकाला, क्या निकालना, दरों का अंतर बराबर ब्याज अंतर गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ये कहाँ से आया, दर से आया, दर कहाँ से आई, हम इस फॉर्मूला ब्याज बराबर PRT/100, तो हमने दर बराबर निकाल दिया ब्याज गुना 100 अपॉन मूलधन गुना समय। तो जब दरों में अंतर होगा तो ब्याज में अंतर आएगा, ब्याज में अंतर समय भी सेम है मूलधन भी सेम है, तो इसलिए दरों का अंतर ब्याज में अंतर गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ये हमारा शॉर्टकट का फॉर्मूला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बी और सी से कुल 1200 के 2 ऋण लिए, बी ने 14% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज लिया और सी ने 15% प्रतिवर्ष का लिया। ए द्वारा 1 वर्ष के लिए दिया गया कुल ब्याज, देखो ध्यान से, ए ने लिए थे, अब ए ने अलग अलग से लिए, कुल लिए तो उसने 1200 रुपये, पर लिए उसने अलग अलग से, अब देखो किस से लिए, बी और सी से। मान लिया बी से 100 रुपये लिए, तो सी से कितने लिए, 1200 - x, भाई कुल 1200 रुपये लिए, बी से x हो गए तो सी से 1200 - x, यदि जोड़ देंगे तो x x कैंसिल होकर 1200 योग आ गया। अब देखो कुल ब्याज 172 रुपये है, यानी कि बी का ब्याज प्लस सी का ब्याज 172 रुपये। बी का ब्याज कितना होगा, बी का ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला आपने पढ़ा, ब्याज बराबर PRT/100, तो एक्स गुना R1 गुना T/100 प्लस 1200 - x, ये x है, गुना R2 गुना T/100 बराबर 172, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, ये 16 उत्तम आ गया, ये एक्स है, R1 की वैल्यू 14 है गुना टी प्लस ये 1200 - x, वर्ष कितना 1 वर्ष, टी की वैल्यू मैंने 1 वर्ष रख दी, R2 कितना 15 और टी की वैल्यू 1 वर्ष बराबर 172। ये 100 अपॉन का 100 गुना में पहुँचेगा क्योंकि भाग में है, ये टी की यहाँ पर वैल्यू 1 होगी, यहीं पर टी की वैल्यू 1 लिख दो, तो 14x प्लस 15 गुना करो, 15 0 0 15 2 30 15 3 18, ये 18000 हो गया माइनस 15x बराबर 17200। ये 15x माइनस का 14x प्लस का, तो x कहेगा बचा माइनस का x, क्योंकि ज़्यादा माइनस के यहाँ कम प्लस के यहाँ, तो माइनस का x बचा बराबर, ये 18000 रह गया, तो 17200 - 18000 कितना बचा,
ये माइनस एक्स बराबर बचा, 18,000 माइनस के ये गए तो माइनस के बचे 800 रुपये। तो बी से एक्स रुपये लिए, तो बी से जो एक्स रुपये लिए तो बी से कितने लिए 800 रुपये, बी से 800 लिए, ये बी से 800 रुपये लिए। फॉर्मूला एक ही, अलग अलग फॉर्मूले नहीं हैं कि भाई अलग अलग फॉर्मूले हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपये और 3 वर्ष में 575 रुपये। अब देखो 1 वर्ष का ब्याज देखो, एक वर्ष का ब्याज कितना बैठा, 3 वर्ष का तो बैठा 575 और एक का बैठा राशि 550। तो 3 वर्ष का मिश्रधन 575 और एक 2 वर्ष का मिश्रधन 550, तो 1 वर्ष का अंतर है तो 1 वर्ष का ब्याज आएगा कितना, 25 रुपये आएगा। अब 4 वर्ष में धन कितना होगा, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में धन 575 तो 4 वर्ष में धन 575 रुपये, तो 3 वर्ष का मिश्रधन 25 रुपये ब्याज जोड़ दो तो ये आ गया 600 रुपये। 600 रुपये क्या आ गया, ये 4 वर्ष बाद धन आ गया 600 रुपये। आसान क्वेश्चन है, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज 50% प्रतिवर्ष की दर से 2 गुनी हो जाएगी। अब देखो a बराबर 2x हो जाएगा यदि p बराबर x हो, हम r की वैल्यू निकालनी और t की वैल्यू 15 वर्ष, बस निकाल दो a बराबर p प्लस p r t अपॉन 100। a की वैल्यू 2x, p की वैल्यू x प्लस x गुना r निकालना, t की वैल्यू 15 अपॉन 100। एक्स प्लस का इधर जाएगा माइनस का होगा, तो 2x माइनस एक्स बराबर एक्स गुना आर गुना 15/100। ठीक, 2x में से x गए तो x बराबर एक्स गुना आर गुना 15/100। अब क्या बचा, ये देखो अपॉन में 100 हो तो गुना में पहुंच जाएगा, 100x अपॉन एक्स गुना 15, हम आर की वैल्यू निकालनी, आर इधर रहा, जो गुना मत है वो अपॉन में चले गए, जो अपॉन मत है वो गुना में चला गया, इस एक्स एक्स का तो 5 15 और 5 2 10 20, तो आर की वैल्यू 3 4 18 2 बचे इतने परसेंट। इस वार्षिक ब्याज की दर से 6 से 2/3 वर्ष से 2 गुनी हो जाएगी। आप देख भी रहे होंगे, पूरी वीडियो देखें मेरी, सभी वीडियो में यही फॉर्मूला होगा, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, कोई किसी दूसरे फॉर्मूले का शॉर्टकट नहीं लगाया, मुझे शॉर्टकट लगाऊंगा तो उस शॉर्टकट का भी रीजन दिया हुआ होगा कि शॉर्टकट आया कहाँ से। कोई धनराशि अपने की 2 गुनी हो जाती है साधारण ब्याज की, उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष। अब देखो इसका बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला है मेरे पास, वो क्या है, T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। T1 10 वर्ष, T2 की वैल्यू निकालनी, पहले कितनी होती 2 गुनी, N1 की वैल्यू 2 माइनस 1 3 गुनी, N2 की वैल्यू 3 माइनस 1। 10 अपॉन T2 बराबर 2 में से 1 गा 1, 3 में से 1 गा 2, बस गुणा करने पर T2 की वैल्यू कितनी आई, 10 दुनी 20 वर्ष, 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। ये बहुत ही शॉर्टकट क्वेश्चन है, शॉर्टकट फॉर्मूला इसका। अगला क्वेश्चन देख लें, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 सालों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 4 गुनी, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, क्या T1 अपॉन T2 N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1।
T1 20 सालों में कितने, 2 गुने यानी कि 2 माइनस 1। कितने वर्षों में T2 चौगुनी, 4 माइनस 1। एंट्री वैल्यू 4 रखे तो 4 माइनस 1, 2 में से 1 का 1, 4 में से 1 का 3, 3 की 8 गुना करी, 20 60, तो T2 बराबर 60 वर्ष में 4 गुने, ये 20 वर्ष है, या चौथा पार्ट सही है इसका। सेकंड एक नहीं लगेगी क्वेश्चन हल करने में, सिर्फ ये शॉर्टकट मेथड उन्हीं क्वेश्चनों में लगेगा जिनमें साधारण राशियों का गुना दिया हुआ है कि इतने वर्ष में 2 गुनी तो कितने वर्ष में 4 गुनी। बस 2 संधिवे होंगे वर्ष और 2 ही राशियाँ गुना दिया हुआ होगा जब ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स प्रतिशत की दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 12% प्रतिवर्ष की दर से 5000 पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। अब देखो इन्होंने सिंपल दे दिया कि जो 4000 रुपये का जो ब्याज है वो 5000 के ब्याज के बराबर है, यानी कि 4000 का ब्याज ये समझाने के लिए लिखा जा रहा बराबर 5000 का ब्याज। 4000 का ब्याज कितना होगा, 4000 गुना एक्स प्रतिशत है गुना 12% 3 वर्ष का अपॉन 100 ग्राम, 5000 का वर्ष 12% है, 2 वर्ष 2020 गई, हम वैल्यू निकालनी एक्स की, तो एक्स बराबर क्या होगा, जो गुना में वो अपॉन में चला गया, जो अपॉन में वो गुना में अपॉन में कुछ है नहीं, इस समय हो गया, यानी कि ब्याज का फॉर्म लगाया हमने PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगा तो 4000 गुना 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुई, 4 3 से 3 का 5 दूनी 10, एक्स की वैल्यू 10% आ गई, ये आंसर आ गया। पता हो क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, फॉर्मूले सेम, राम 8 प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार लेता है और रहीम 5% वर्ष पर प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 2000 रुपये उधार लेता है, यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो तो राम द्वारा उधार ली गई राशि क्या कीजिए। राम एक्स रुपये उधार लेता है, राम ब्याज बराबर है, राम का ब्याज बराबर रहीम का, दोनों के ब्याज बराबर, उतना ही राम का ब्याज है उतना ही रहीम का ब्याज, राम का ब्याज, राम ने एक्स रुपये तो उधार लिए 8% है 3 वर्ष के अंत में गुना 3 अपॉन 100 बराबर, रहीम ने कितने रुपये लिए, 2000 रुपये लिए, 5% है गुना 5 3 बटा 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो गई, इस 3 से 3 का, इस 8 से का, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 जीरो 25 पंजे 125 जीरो, राम ने जो उधार लिए थे कितने रुपये लिए थे, 1250, राम ने जो रुपये लिए थे 1250 रुपये लिए थे, ये कटने पाया, क्या कटा देखो भी समझाता हूँ मैं, जैसे स्टैंड को सही कर लो, देखो राम का ब्याज PRT अपॉन 100, श्याम का ब्याज PRT अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 8 से 25 बार कटाए
200, ये 0 आ गई, 3 से 3 का एक्स की वैल्यू क्या आ गई। मैं समझता हूँ कि आपको साधारण ब्याज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं बचा जो डिफ़िकल्ट हो। मैंने बहुत अच्छे तरीके से साधारण ब्याज समझाया, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स।